नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। इनरविल क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन के द्वारा एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची क्लब की जिलाध्यक्ष डॉक्टर रीता झा। बेतिया एसपी ने किया शिकारपुर थाने का निरीक्षण। लंबित मामलों को जल्द निष्पादन करने का दिया निर्देश। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 7वां वार्षिकोत्सव। ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान प्रकाश भवन अरेराज सेवा केंद्र में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। और शिवहर जिले के कुसहर में चला प्रशासन का बुलडोजर। भारी संख्या में पहुंचे पुलिस बल ने 142 लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को कराया खाली। इनरविल क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन ने आज मोतिहारी के बरियारपुर स्थित श्री आरसी वाटिका में क्लब की जिला अध्यक्ष डॉक्टर रीता झा के आगमन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर रीता झा, राखी शाह, कुमारी अमृत, मीरा सिंह, पुतुल सिन्हा, चंद्रलता वर्मा, नीलम वर्मा आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने इस वर्ष किए गए प्रोजेक्ट की जानकारी ली और फाइलों की जाँच की। इस मौके पर दो दिव्यांगों को ट्राई साइकिल क्लब की ओर से डोनेट किया गया एवं मुंजिब गर्ल हाई स्कूल के बच्चों के लिए वेंडिंग मशीन डोनेट किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद क्लब के आईएसओ चंद्रलता वर्मा के द्वारा इनरविल प्रार्थना गाया गया एवं अध्यक्ष राखी शाह ने आने वाले साल में होने वाले प्रोजेक्ट की जानकारी दी। वहीं सचिव मीरा सिंह ने अब तक के किए हुए प्रोजेक्ट का ब्यौरा दिया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर रीता झा को शीला गुप्ता, नूतन वाला ने सॉल और बुके देकर सम्मानित किया। इस मौके पर क्लब के संपादक नीलम वर्मा द्वारा सांस्कृति नाम से स्मारिका का विमोचन जिला अध्यक्ष डॉक्टर रीता झा एवं नीलम वर्मा के द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन पीपी धीरा गुप्ता ने किया। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सह कार्यक्रम के चीफ गेस्ट डॉक्टर रीता झा और प्रेसिडेंट राखी शाह ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। इनरविल क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विजिट जो साल में एक बार होता है उसके तहत यहाँ पर आई हूँ मोतिहारी। और बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विजिट जो है वो क्लब का निरीक्षण करना है कि क्लब्स जो गोल सेट किया गया है इनरविल एसोसिएशन का गोल्स, डिस्ट्रिक्ट का गोल्स, वो ठीक से कर रही हैं कि नहीं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट दी क्लब प्रेसिडेंट राखी शाह एंड हर टीम इज डूइंग एक्सेलेंट वर्क एंड कंप्लीटिंग ऑल द गोल्स। अभी तो श्री राखी ने ही बताया था कि उनको क्या एक एल्डरली होम खोलने का इरादा है, प्लस वो वी केयर के तहत और भी काम करना चाहती हैं, कैंसर अवेयरनेस करना चाहती हैं, एनवायरनमेंट पर काम करना चाहती हैं। शी वाज टॉकिंग अबाउट यू नो धूल जो है इसका पोल्यूशन पर काम करना चाहती हैं। या मैम, मोतिहारी को अभी नंबर वन पे प्रदूषण के क्षेत्र में उनको नाम है, जो कि बहुत ही बुरा संदेश है हमारी मोतिहारी वासियों के लिए। और लगता है हम लोग को कोरोना की वजह से जो मास्क लगाना पड़ता था वो या इतना पोल्यूटेड हो गया है कि जिस वजह से हम लोग को मास्क की अभी ज़रूरत पड़ रही है। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि पॉलीथीन को हटाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं खुद पेपर बैग बना के डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ गरीबों को। लेकिन अभी वो तो उतना अवेलेबल नहीं होता, जिस वजह से हम लोग कपड़ा का झोला बना के और फिर उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आगे कि लोग पॉलीथीन ना यूज करें। पॉलीथीन एक्चुअली वो गलता नहीं है, उस अगर जलता भी है तो उसका जो भी निकलता है वो बहुत ही ख़तरनाक है हमारे लिए। बस और भी बहुत सारे, सबसे पहले तो इन्वायरमेंट पे हम लोग इतना पौधा रोपण करते भी हैं और आगे भी करेंगे कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके, जिसकी हमें बहुत जरूरत है। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर पहुंचे बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने अंचल व थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी श्री वर्मा ने अंचल व थाना के विभिन्न लंबित कांडों की समीक्षा की और त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। एसपी श्री वर्मा ने बताया कि अंचल में लंबित कांडों की समीक्षा की गई है तथा 2-3 वर्षों से लंबित कांडों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है।
इस दौरान अभिलेखों की भी जांच की गई। उन्होंने बताया कि शिकारपुर थाने में भी लंबित कांडों को निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जेल से छूटे अपराधियों पर नजर रखने के साथ साथ बढ़ती ठंड में रात्रि गश्ती में बढ़ोतरी करने का निर्देश थाना अध्यक्ष और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया। उन्होंने फरार वारंटियों की धरपकड़ करने का भी निर्देश देते हुए कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर SDPO कुंदन कुमार, अंचल निरीक्षक मुनीर आलम, थाना अध्यक्ष रामसरा यादव समेत अन्य पुलिस अधिकारी व जवान मौजूद रहे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ज्ञान प्रकाश भवन में 7वां वार्षिकोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दैनिक मुरली क्लास से हुई, उसके बाद शिव बाबा एवं ब्रह्मा बाबा का भोग स्वीकार कराया गया। कार्यक्रम में कुमारी मुस्कान ने बड़ा ही सुंदर स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक सुनील मणि तिवारी, उत्तर बिहार की वरिष्ठ राजयोगिनी बीके मीना बहन, डॉक्टर आलोक, बीके विभा बहन, बीके अशोक वर्मा, बीके शिवपूजन राउत, डॉक्टर आलोक कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार, पूर्व प्राचार्य कृष्णा भाई, गीता बहन आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। वार्षिकोत्सव समारोह में बतौर मुख्य वक्ता बीके मीना दीदी ने कहा कि शिव बाबा की नगरी अरेराज में संस्था का सेवा केंद्र 2004 में खुला। पूर्व में विभिन्न जगहों पर किराए के मकान में ईश्वरीय सेवा का कार्य लगातार हुआ। उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए यह सौभाग्य की बात रही कि शिव बाबा की नगरी में सेवा का मौका मिला। 2015 में इस ज्ञान प्रकाश भवन का निर्माण हुआ और संस्था को अपना मकान मिला, जिससे दिनों दिन सेवा का विस्तार हो रहा है। राजयोगिनी दीदी ने कहा कि सेवा केंद्र में प्रतिदिन सहज राजयोग एवं परम पिता परमात्मा का महावाक्य दैनिक मुरली का क्लास नियमित चल रहा है। सेवा केंद्र के विभिन्न कक्षाओं के बारे में उन्होंने बताया कि बाबा का कमरा, क्लासरूम एवं मेडिटेशन हॉल पूरी तरह तैयार हो चुका है। ज्ञान प्रकाश भवन में आध्यात्मिक म्यूजियम बन रहा है, जो शिव बाबा का ज्ञान प्रकाश आम लोगों के जीवन को सुखमय बनाने के साथ ज्ञान दिव्यता भरने का काम करेगा। विधायक सुनील मणि तिवारी ने कहा कि संस्था के लगभग सभी कार्यक्रमों में मैं शामिल रहता हूं। संस्था द्वारा चरित्र निर्माण का कार्य अति सराहनीय है। उन्होंने कहा कि संस्था की स्थापना वर्ष 2004 से मैं इससे जुड़ा हूं, 7 दिवसीय कोर्स भी किया हूं और संस्था से मिली शक्ति का लगातार एहसास कर रहा हूं। डॉक्टर आलोक ने कहा कि सभी सेवा क्षेत्र के लोगों में संस्था शक्ति भर रही है। आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए मोतिहारी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके विभा बहन ने कहा कि धर्म एवं आध्यात्मिक क्षेत्र अरेराज की प्रसिद्धि पूरे देश में है। यहाँ सालों भर शिव बाबा के भक्त आते रहते हैं। संपूर्ण कार्यक्रम के संचालन के दौरान विशिष्ट वक्ता के रूप में मीडिया विंग के बीके अशोक वर्मा ने कहा कि संयुक्त बिहार में देवघर बैद्यनाथ धाम मंदिर बिहार का सबसे बड़ा प्राचीन मंदिर था, लेकिन झारखंड बनने के बाद अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वरनाथ मंदिर बिहार का सबसे प्राचीन मंदिर हो गया है। संपूर्ण अरेराज क्षेत्र शिव नगरी होने के साथ साथ बुद्ध एवं सम्राट अशोक का प्रिय क्षेत्र माना जाता है, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व अधिक है। संस्था के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि संस्था का मुख्य लक्ष्य सहज राजयोग एवं ईश्वरीय पढ़ाई से हर इंसान में मूल्यों को पुनर्स्थापित कर ईश्वरीय शक्ति संपन्न बनाना है। शिवहर अंचल क्षेत्र के कुसहर में सरकारी सड़क के जमीन पर घर बनाकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यहां जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन का बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस संबंध में अंचलाधिकारी अजय श्रीवास्तव ने बताया कि आज 142 अतिक्रमण करने वाले लोगों के घरों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि कुसहर पंचायत के विभिन्न वार्डों में 192 घरों को एक सप्ताह पूर्व घर हटाने को लेकर नोटिस भेजा गया था। हालांकि नोटिस के बावजूद भी अविलंब खाली नहीं किया गया, जिसके बाद 22 नवंबर को भारी संख्या में पुलिस बल के साथ 142 लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को खाली कराया गया। 142 आदमियों को नोटिस किया गया था, जिसमें महादलित परिवार 13 या 14 हैं, उनको छोड़ा गया है और बाकी स्वयं यहाँ के नागरिक अपने से भी बहुत ज़्यादा तोड़े हैं। 3-4 दिनों में जो बचे हुए हैं उस पर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी सर, एक क्या सरकारी भूमि थी? सब सरकारी भूमि है और CWJC है, माननीय उच्च न्यायालय में दायर हुआ था, उसी के आलोक में। आज के लिए बस इतना ही। HTV न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर HTV न्यूज को फॉलो करें।
तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल HTV न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।